फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे पे पिज्ज़ा, और वो भी बिना ओवन के। बट मैंने उसके लिए जो बेस लिया है वो मैंने मार्केट से मंगवाया है, रेडीमेड बेस। और क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने रेडीमेड पिज्ज़ा बेस लिया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको घर पे पिज्ज़ा बेस कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगी। सो अभी देखिए मैंने कैसे बनाया है पिज़्ज़ा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सो अभी देखिए मेरी आप वीडियो कैसे मैंने बनाई है। ये मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिए हैं, और मैंने लिए हैं टमाटर, प्याज, थोड़ा सा धनिया भी लिया है, और ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है श्रेडेड, मायोनीज़ भी लिए हैं। अभी मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया और स्टैंड भी रख दिया है, और अभी मैं इसको ढक दूंगी ताकि इसके अंदर हीट बन जाए। 10 मिनट तक मैं इसको ढक के रखूंगी। इस प्लेट के ऊपर लगाया है घी, और मैं इसके ऊपर रखूंगी पिज़्ज़ा बेस जो मैंने रेडीमेड लिया है। ये मैंने रख दिया कुछ ऐसे, और अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सॉस। और मैंने सॉस भी लगा दिया। अभी मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज गिराऊंगी। और अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी टॉपिंग्स कुछ। और ये मैंने लिया है कुछ धनिया भी। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और मैं चीज गिरा दूंगी। और अभी कुछ इस तरह से तैयार है पिज्जा बेक होने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कलरफुल सा। अभी मैं इसको कढ़ाई के अंदर रख दूंगी, उसमें हीट बन चुकी थी, वो गर्म हो चुका है बिल्कुल, और मैं इसको एक प्लेट के साथ ढक दूंगी। और फिर मैंने इसको 15 मिनट पकाया था, उसके बाद देखिए पिज़्ज़ा बन के रेडी है, और जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो गई है अच्छे से। देखिए खाने में बहुत टेस्टी बना था, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और हमारे घर आए हुए थे बच्चे, तो मैंने उनको भी खिलाया। मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे,